आवाज देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ। बंदूकें मेरी होगी, हथियार मेरे होंगे, लसन सरकारी मेरे होंगे, एक भी सरकारी गनमैन नहीं होगा, सीधा फायरिंग होगी। आओ चैलेंज करता हूँ, अगर भाग जाऊं तो उसके बाद बिट्टा बिट्टा नाम नहीं रहेगा मेरा चैलेंज। अरे बेगुनाहों का, मजलूमों का कत्ल करते हो। कैमरा खड़ा थोड़ा। भारतीय होने पे फख्र है और सरदार की इज्जत तब है मुझे को कहे मैं पास पास नहीं अपील बड़ा पन जाए। अरे मजलूमों का कत्लेआम, वो हमारी बहन को मार डाला इन्होंने, एक दवाई की दुकान वाले को उसको मार डाला। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मानवता का कत्लेआम है। हमने कभी आए इधर, हम टीवी पे डिबेट करते रहे, हमें ये ना को कहे कश्मीर में कोई व्यक्ति हम यहाँ आग लगाने आते हैं। हमने पंजाब में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गोलियां सामने चलती थी, सामने जवाब देते थे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मानवता को जहां मारा गया हमने अपने शरीर पे मम खाए, पर हमने अपने रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। हमारे कई मुस्लिम भाई भी शहीद हुए, फौज के जवान हो या पुलिस के जवान। पाकिस्तान बुखला चुका है क्योंकि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट, विकास, युवाओं के लिए एक नई सोच, नई दिशा बन चुकी है। किसी कौम मजहब का हो, इसमें कौम मजहब नहीं है। घटना बहुत बुरी है, जो आप इसका दिया जा रहा है हमारा सरकार से मतलब नहीं, पर हमें यकीन है जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। अरे इन बदमाशों को मैं कहना चाहता हूँ, पंजाब में भी चैलेंज किया करता था ISI कुछ, इन आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को। देख लीजिए मेरा उस वक्त का इतिहास, जब 93 में मेरे ऊपर दिल्ली ब्लास्ट हुआ, 38 बेगुना लोग शहीद हुए, 90 जख्मी हुए, और पाकिस्तान के बॉर्डर को घेरा था हमने, 1.5 लाख की भीड़ को लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को लेकर के सामने बैरिकेड था। कहते गोली चलाएंगे, बेटा को गाली देना बंद करो। मैं कहा तेरे लोहे का गेट तोड़ के तेरे लाहौर में तिरंगा झंडा लेके घुस जाएंगे, तेरी गोलियां भी खत्म हो जाएंगी। फिर आए थे जम्मू, फिर आए थे गंगानगर, फिर गए थे कच्छ बॉर्डर, इनको घेरा था हमने। हम वो बिट्टा हैं, हम कहते हैं करके दिखाते, चैलेंज करता हूं इनको, सुरक्षा के बगैर आऊंगा। वो मेरी बेटी, वो मेरी बहन, शहीद की बेटी बोली थी वो नहीं, वो बाद में, पहले मैं आवाज देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ। बंदूकें मेरी होगी, हथियार मेरे होंगे, लसन सरकारी मेरे होंगे, एक भी सरकारी गनमैन नहीं होगा, सीधा फायरिंग होगी। आओ चैलेंज करता हूँ, अगर भाग जाऊं तो उसके बाद बिट्टा बिट्टा नाम नहीं रहेगा मेरा चैलेंज। अरे बेगुनाहों का, मजलूमों का कत्ल करते हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और ये खून से बना हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बना हुआ तिरंगा झंडा, ये हमेशा पवित्र था, पवित्र रहेगा। जलियांवाला बाग के अंदर का सिख कौम ने कुर्बानी दी थी क्या? हिंदू कौम ने कुर्बानी दी थी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपना खून बहाया था, फिर मुल्क आज़ाद हुआ था। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इस्तफाकुल्ला खां, वो अब्दुल हमीद जौनपुर का, यूपी का, जब 65 के अंदर, 71 के अंदर जंग थी, शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान के 7 टैंक तबाह किए थे, वो हिंदुस्तान है, वो अब्दुल कलाम का हिंदुस्तान है। मैं यहाँ कश्मीर के अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को कहूँगा, मेरे से सीख लो, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, बोलिए मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी कश्मीर की तरफ, हमारे कश्मीरी बच्चों की तरफ को आंख उठा के देख ले। हमें हिम्मत तो करनी होगी। मैं भी तो पंजाब में लड़ा, खालिस्तान का आतंकवाद था, मैंने लड़ा, आपके सामने गवाह हूँ। आपको लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद कश्मीर में जो मिलिटेंसी की वारदातें बढ़ने लगी है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख रहा? देखो जी, ये कश्मीर में नहीं, इसका असर पूरी दुनिया में होगा। 11 सितंबर की घटना कहाँ हुई थी? अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, पूरी दुनिया का देश जो इकट्ठे होते हुए वो क्या कर रहा है, ऐसे मुल्कों के ऊपर पाबंदी लगे। आज हमारा देश तैयार खड़ा है, आए कोई पहल करेंगे नहीं, पहल करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, आए, आज तो तैयारी है हमारी। पर
मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारा जवान हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बिल्कुल मजबूती से खड़ा, चाहे चाइना का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो। यह 370 धारा हटा के बता दिया, यह सर्जिकल ऑपरेशन करके बता दिया, इतिहास आपके सामने है। गोलियां अभी चलेंगी, कुर्बानी अभी होंगी, कुर्बानी अभी पंजाब में भी होती है, पंजाब में भी कहीं कहीं हथियार आते हैं। क्यों? ISI के जो मंसूबे थे वो समाप्त हो चुके हैं। हमें घबराना नहीं है और एकदम भावुक होके गलत भाषा का प्रयोग करना वो ठीक नहीं है। 370 धारा हटने के बाद के तिरंगे झंडे का अपमान हुआ क्या? पत्थर चले? हाँ, गोलियां कहीं कहीं चलती हैं। जब नवाज शरीफ को मिलने नरेंद्र मोदी जी गए थे, हमने भी विरोध किया था। क्या संदेश था? पाकिस्तान में भी शांति चाहते हैं, यहाँ भी शांति है, वहां भी आम मानवता का कत्लेआम ना हो, यहाँ भी ना हो। क्या हुआ? हमें पता था ये होगा। दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, उसके बाद फायर ऐसा जारी है कि अभी तक जारी है। पुलवामा की घटना की थी ना इन्होंने कि पुलवामा को कह के हिंदुस्तान को डरा देंगे, हिंदुस्तान की सुरक्षा फोर्सेस और फौज को डरा देंगे। एक पुलवामा में 40 शहादतों के बाद हमें क्या मिला? 370 धारा। वो जवान शहादत का जाम पी गए। कहना चाहूंगा, कश्मीर में जन्म लेने वाला, भारत माता की धरती पे जन्म लेने वाला किसी भी कौम और मजहब का हो, उसको सहूलत एक होनी चाहिए। अभी भी चीजों का कई फर्क है। हम दोबारा गवर्नर साहब के पास आएंगे, दिल्ली होम मिनिस्टर साहब को भी मिलेंगे, वहां भी हम चर्चा करेंगे। बाकी जो बोलना था आपको पहले बोल जी, माइनॉरिटी देखो, वो मैंने जो आप पहले दे दिया, मैं फिर उसके लिए कहना चाहता हूँ। हम दिल्ली जाके होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर साहब को मिलेंगे। जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही, उसमें कोई गलत नहीं है। वो क्या स्टेप उठाते हैं उनको पूरी कोशिश करेंगे, उनको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ऐसे स्टेप उठाए जाएं यहाँ से कोई प्लान ना हो, कोई भी प्लान ना हो मिनॉरिटी के अंदर। इसके लिए सख्त स्टेप उठाए जाएंगे। मैं दिल्ली जाके बात करूँ।